टीवी में बैठा के बैलेट पेपर के वोट से इनका वध होगा, नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारी चोली जरूर हिला देंगे। कमाल कर दिया देश को, बर्बाद कर दिया इन कत्तरों ने। जिस देश के अंदर 15 लाख मशीनें गायब हो, हम कैसे विश्वास कर ले, बता दीजिए। अगर 15 लाख मशीनें ईवीएम मशीन अगर गायब हो, हम कैसे विश्वास कर ले देशवासियों, कैसे विश्वास कर ले। अरे 400 पार का 40 भी आ जाए तो मुझे बता देना, क्योंकि चुनाव होगा बैलेट पेपर से, हम मशीन से नहीं चुनाव होने देंगे। तुम्हारा वोट नहीं चाहिए, जो देश के भ्रष्टाचारी हैं उनका वोट नहीं चाहिए, जो खून चूस करके जनता का जो जनता गरीब जनता का खून चूस रहे हैं उनका वोट नहीं चाहिए। इतना फैला दीजिए कि हर भाई के मोबाइल में मेरा ये मेरी आवाज तुम्हारी आवाज पहुंच जाए। और खड़े हो जाओ मेरे बहादुर भाइयों, मेरी माताओं भाइयों, खड़े हो जाओ। ऐसा है, बहुत सारे भाई बहके हुए थे, अब जैसे ही फौजी आगे वो हिंदू भाई भी फौजियों के साथ आएंगे। मुझे पूरा इतना है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई फौजियों के साथ, पूरा देश फौजियों के साथ है। इनका जो करेक्टर है वो देश पहचान चुका है। गरीबों के बच्चे आज फुटपाथ में घूम रहे हैं, नौकरी नहीं है, हिंदू तो उनको खाने को नहीं देगा। आज पकौड़े तलने की बात हो रही है, जितने बड़े पढ़े लिखे बच्चे डिग्री होल्डर आज उनको रोजगार नहीं है, इसलिए ये हिंदू तो जो ना इनको खाने को नहीं देगा। चिंता मत करिए, मंदिर मस्जिद कुछ नहीं होगा इस देश के अंदर, होगा रोजगार की बात होगी, शिक्षा की बात होगी, स्वास्थ्य की बात होगी, बिल्कुल सिक्योरिटी की बात होगी। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी दी जा रही है, आप कह रहे हैं कि देश आज तक मोदी जी ने कितनी गारंटियां दी, कोई गारंटी हुई क्या? अरे छोड़ दीजिए 15 लाख का तो चलो, उन्होंने खुद कह दिया जुमला था, काला धन आ जाता तो देश की अर्थव्यवस्था सुधर सकती थी, लेकिन नहीं, क्यों आएगा? क्योंकि इन्हीं का पैसा है। चिंता मत करिए, फौजी आगे हैं, हम सौगंध खाते हैं, एक भी भ्रष्टाचारी का पैसा अगर हम छोड़ दें स्विस बैंक में, श्यामत बन के टूटेंगे, बिजली बन के टूटेंगे। बेटा तुम्हारी हिम्मत है तो फौजियों को रोक के दिखा देना। फौजी आ चुके हैं, पूरा देश हमारे साथ है, क्योंकि हम लोगों ने कर्म किए हैं, देश के बॉर्डर पर खड़े होकर के अपनी कुर्बानी दी है, अपनी जवानी दी है देश की एकता अखंडता के लिए, इसलिए देश को बर्बाद इन निकम्मों के हाथों नहीं होने देंगे। आ चुके हैं, अरे 400 पार का 40 भी आ जाए तो मुझे बता देना 40, क्योंकि चुनाव होगा बैलेट पेपर से, हम मशीन से नहीं चुनाव होने देंगे किसी भी कीमत पर। हमें अपनी गर्दन पर खेलना पड़े, हम खेल जाएंगे, लेकिन चुनाव नहीं होने देंगे। विनती करते हैं इलेक्शन कमीशन महोदय, जिस देश के अंदर 15 लाख मशीनें गायब हो, हम कैसे विश्वास कर ले, बता दीजिए। अगर 15 लाख मशीनें ईवीएम मशीन अगर गायब हो, हम कैसे विश्वास कर ले देशवासियों, कैसे विश्वास कर ले। हमारी छाती पार के देख लो, लेकिन हम विश्वास बिल्कुल नहीं करते, पूरा देश विश्वास नहीं करता। मेरे पास लाखों फोन आ रहे हैं, पूरा देश खड़ा हो चुका है। चुनाव आयोग को लेकिन कहते हैं सर कि निष्पक्ष नहीं है, बिक चुका है, कठपुतली है, कानून बदल करके इलेक्शन कमीशन को भी नियुक्ति के लिए इन्होंने कानून बदल करके अपने हाथों के जो अपना कोई दलाल होगा उसको वहां पर लगा रहे हैं। और लगा देना फांसी, मर जाते कोई बात नहीं। हम हो सकता है भगत सिंह रहे हो, सुभाष चंद्र बोस रहे हो, कुछ भी रहे हो, है तो जरूर कोई इनको क्रांति से आत्मा में घुसी है, तभी जाके हम बात कर रहे हैं। मरने से नहीं डरते, नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारी चोली जरूर हिला देंगे, करते नाबूद कर देंगे तुमको, चिंता मत करिए बेटा। 2024 का चुनाव नहीं, 2024 का चुनाव मेरे भाई ईवीएम मशीन से नहीं होगा, बैलेट पेपर से होगा। तो हमारे पूरे देश के सैनिकों ने बेल्ट कस लिए, पूरे देश के सैनिक खड़े हो गए, और जो हमारी सिक्योरिटी में लगे हैं ना वो भी हमारे भाई हैं, चाहे पुलिस के हों और चाहे सीआरपीएफ के हों, वो भी हमारे भाई हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस देश को बचाने की हमारी जिम्मेवारी है। उनकी भी गोली, चिंता मत करिए, जैसे INA फौज की गोली चली थी ना अंग्रेजों के खिलाफ, ना हो जाए इनकी गोली भी तुम्हारे खिलाफ, गद्दारों तुम्हारे खिलाफ ना कर दे। हम अपनी बात के पोते बहुत हो चुका, कमाल कर दिया देश को बर्बाद कर दिया इन गद्दारों ने, हम माफ नहीं कर सकते। देश के लिए आए हैं, समय बदल चुका है, पहले के वक्त में पैसे वालों के साथ समय होता, समय सदैव एक से एक के साथ नहीं रहता। जो बड़े बड़े पैसे वाले इस देश में, उनकी शामत बन के बिजली के छेद टूटेंगे। बेटा रोक सको तो रोक लेना, तुम्हारा वोट नहीं चाहिए। जो देश के भ्रष्टाचारी हैं उनका वोट नहीं चाहिए, जो खून चूस करके जनता का जो जनता गरीब जनता का खून चूस रहे हैं उनका वोट नहीं चाहिए। हमें गरीबों की साथ मिलेगा, खुल के लड़ेंगे, गरीब जनता हमारे लिए लड़ेगी, पूरा देश के अंदर
बूथ बूथ पर मेरा भाई खड़ा हो जाएगा। मैं नंबर छोड़ता हूं, मेरा नंबर छोड़ता हूं प्यारे देशवासियों, 8368002355। सौगंध आपको मां भारती की, इस भाई की आत्मा की आवाज है। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, इतना फैला दीजिए इस देश के अंदर, इतना फैला दीजिए कि हर भाई के मोबाइल में मेरा ये मेरी आत्मा की आवाज पहुंच जाए। और खड़े हो जाओ मेरे बहादुर भाइयों, मेरी माताओं बहनों, खड़े हो जाओ, आग लगा लो मन में, खड़े हो जाओ। जान बीच के इन गद्दारों ने नाश कर दिया देश का, अब देश का नाश नहीं होने देंगे। गरीब आदमी आए भर रहा भाई, अरे गरीब आदमी आए भर रहा, इन गद्दारों ने नोच डाला इनके घरों में, अरे ये पैसों की गड्डियों के ऊपर सोते हैं, ये नर पिशाच है, नर पिशाच, देश के लोगों का खून चूसने वालों गद्दारों, आ चुके हैं फौजी, हमें राजनीति नहीं करनी, तुम्हारी ऐसी की तैसी करेंगे, तुमने देश का खून चूसा है, गरीब आदमी का खून चूसा है, इसलिए हमारी भगवान ने हमें कोई कोई आदेश दे रहा है। बेटा मैं भगवान का सौगंध खाता हूं, हमें राजनीति नहीं करनी, लेकिन सुधार देंगे इन गद्दारों को, सुधार देंगे, लिए बता दिया हम, सुधार देंगे, चिंता मत करिए बेटा, पूरे देश की सेना आ रही है और पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है, पूरा देश सरेआम राजा बन के जिएगा राजा, किसी से डरने की जरूरत नहीं भाइयों, डरने की जरूरत नहीं है, इन हराम खोरों से डरने की आवश्यकता नहीं है, राजा बन के जिए, आपका देश है हमारा देश, इनके बाप का देश नहीं है। बात हो चुका तांडव, बहुत हो चुका, हम देखेंगे, चिंता मत करो बेटा, बात हो चुका, हम गरीबों के हिमायती हैं, हम गरीब के बेटे हैं, सेना में किसका बेटा जाता है, गरीब का, किसान का, मजदूर का, हम गरीब किसान मजदूर के बेटे हैं, और देश की सीमाओं पर क्या है, इन गद्दार जो अंदर राक्षस बैठे ना, इन राक्षसों का वध करने के लिए पैदा हुए हम बस, और इनका वध होगा ईवीएम के बोर्ड से, ईवीएम हटा के बैलेट पेपर के बोर्ड से इनका वध होगा। प्यारे देशवासियों, आपके तुनीर में एक तीर है बोर्ड रूपी, सौगंध आपको इस मां भारती की, भारतीय जवान किसान पार्टी आ गई है, आपकी पार्टी आ गई है, जितने लुटेरे हैं इनको भगा दीजिए, बहुत हो चुका तांडव, बहुत हो चुका, अब देश बदलेगा, देश की दिशा और दशा बदलेगी, और गरीब इस देश का राजा होगा। कहते ना, एक दिन राजा था वो रैंक होगा, और रैंक था वो राजा होगा, बदलेगा, समय बदलेगा, गरीबों का समय बदलेगा, बदलने के लिए आया, पूरा भगवान बदलेगा, हमें यकीन है, अल्लाह भगवान सब एक है। सभी को जय हिंद, जय भारत। वीडियो को फैला दीजिए साथियों, इतना फैला दीजिए कि हर वीडियो उसमें जाना चाहिए। फोन नंबर दे दिया है, फोन करिए आपके भाई के साथ, आपके पास फोन करिए, आधी रात को भी हम आपके साथ बात करेंगे, आपके फोन इतने आए हैं, जितने भाइयों ने फोन किए हैं मैं उनको सलाम करता हूं, आप सच्चे सपूत हैं, आपकी रगों में सच्चा खून है, जो दलाल और कायरों हमसे दूर रहना, दलालों का कायरों का साथ नहीं चाहिए, मां भारती के गरीब किसान मजदूर इस धरती के पुत्रों का हमें साथ मिलेगा, मिलेगा जरूर मिलेगा, और इन दलाल न पार्टियों जितनी भी पार्टियां देश में सबको सुहा कर दो, सबको सुहा, भारत माता की जय।